हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। इस चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है काफी डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में सिखाने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर देखेंगे तो इस चैप्टर को मैं फोर पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि एक टॉपिक को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि 10th में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो कभी थोड़ा सा ट्विस्टेड काइंड ऑफ आते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन में किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, क्या क्या रिएक्शन करवाता है, और लास्ट में हम जाएंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे पहला टॉपिक, और वो है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। और बॉन्डिंग इन कार्बन में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको सभी चीजें बता देती हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, और वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। इन सभी टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस अगर ये आपको वर्थ लगता है वॉचिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन इन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इट मींस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 4 हम कहते हैं। 2 और 4 इसीलिए क्योंकि जो हमारा फर्स्ट शेल होता है, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल शेल मतलब जो सेकंड होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा कि जैसे कि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर शेल में। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे सकता है या फिर किसी से ले सकता है। अगर इन केस आप मान के चलिए कि कार्बन जो है अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, फिर कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा 4 पॉजिटिव में, जब वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, राइट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कार्बन ये बनता है, बट ये जो है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, जिसको हम अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। अब अनस्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास में 6 प्रोटॉन्स है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 4 तो उसने किसी को दे दिए हैं। इस सिचुएशन में ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है। सिमिलरली अगर कार्बन ये 4 नेगेटिव बनाता है तब भी, मतलब क्या हुआ, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर लिए। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, मतलब उसके पास में 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, 4 वो ऑलरेडी ले लेगा, मतलब उसके पास में हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है ये प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, मतलब C4 और C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव, कार्बन नहीं बना पाता। इसका मतलब हुआ कि कार्बन जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता तो फिर वो क्या करता है, तो कार्बन जो है हमेशा से, कार्बन हमेशा से क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा वो। और जब भी कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो तब उसको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके साथ में बनता है वो ये है कि कार्बन जो है, व्हाई कार्बन इज अंडरगोइंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ये इसका कारण बता सकते हो कि भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या सिचुएशन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या सिचुएशन होगी, और इन्हीं दोनों से बचने के लिए
प्रॉपर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कार्बन हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर हम स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इसको लिखना पड़े, डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगी इट इज फॉर्म्ड बाय, ये कैसे फॉर्म हो रहा है देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग आप यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और वर्ड ऐड करेंगे और वो है म्यूचुअल शेयरिंग। हम कहेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है कि भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो आपको मुझे एक वापस देना है, मतलब जो शेयरिंग जो होगा ये एक देना और एक लेना, इस टाइप के शेयरिंग को कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग, और ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स होते हैं, मतलब हम कहेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे हम कहेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं हम, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सेकेंड जो हम देखेंगे वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद में हमारे पास में आता है थर्ड जो होता है वो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलिए वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अदर देन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अदर देन कार्बन एंड कार्बन, जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है तब उसको कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड रहता है तब उसको कहता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब उसके कहा जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये कार्बन के बीच में भी हो सकता है या फिर कार्बन अदर एटम्स के बीच में भी हो सकता है, अदर एटम्स के बीच में भी ये हो सकता है, राइट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एग्जाम्पल में जब मैं देखती हूं इसको, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब होता है H2 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हम बात कर रहे हैं H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल मतलब हो गया हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या है, अगर मैं ऐसे इस तरीके से एक हाइड्रोजन ये करती हूँ तो ये एक H है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं तो देखो इस तरीके से इसको दिखा रही हूँ, है ना। इसको, इस वे को कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या लुईस स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। लुईस स्ट्रक्चर्स में हम क्या कहते हैं, मैं देखो यहाँ पे आपको बता देती हूँ, लुईस स्ट्रक्चर्स या फिर इसको डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इसको सिंपली डॉट स्ट्रक्चर कहा है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम एज अ डॉट के फॉर्म में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास में एक होता है तो मैं एक लिखूंगी, फिर अगर हीलियम की बात करूं मैं तो हीलियम के पास में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टू लिखूंगी, कार्बन के पास में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैं इस तरीके से डॉट बना के चार लिख सकती हूँ। उसके बाद में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैं इस तरीके से फाइव लिखूंगी। ऑक्सीजन के पास में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिक्स इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी, ठीक है।
आर्गन के पास में आपने क्लास नाइन्थ में इन सबके जो है फॉर्मूला सिंबल्स पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर भी आपको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्गन के पास में लास्ट शेल में, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, मतलब 288, मतलब आर्गन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इसके ऊपर मैं 8 डॉट दिखाती हूँ, तो इन्हें कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो अब हमने हाइड्रोजन के हमने क्या कहा कि भाई देखो एक हाइड्रोजन है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में एक और हाइड्रोजन है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक दूसरे के साथ में जब शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, देखो ये जो है आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन को, ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, ये दूसरा हाइड्रोजन है इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में आ गए हैं, और जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इन्हें कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ये, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हुआ ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, राइट। अब एक बॉन्ड बना हुआ है इसलिए इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह दिया हमने, तो ये बन गया इसका एग्जाम्पल, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, और वो है क्लोरीन का एग्जाम्पल, है ना, क्लोरीन में देखो क्लोरीन में क्या होता है, 7 होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा डॉट लगा इसको हटा देते हैं। अब देखो ये हमारा क्लोरीन हुआ, अब ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन एटम है, एक दूसरा क्लोरीन एटम आ जाता है, तो इसके पास भी कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब ये दोनों शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, शेयरिंग, जब ये शेयरिंग करते हैं तब क्या होता है, देखो इन दोनों शेयर कर लेंगे, और ये शेयरिंग करते समय एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। और ये देखो जब ये शेयर करते हैं तो शेयरिंग इस तरीके से करना है, देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास इलेवेंथ में भी जाकर पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है कि ये सभी जो है ये ऑक्टेट रूल, कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल मतलब होता है कि इनके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर आप कहोगे यहां पर तो 2 है, तो बेटा हाइड्रोजन के लिए हमेशा इस ऑक्टेट की जगह हम कहते हैं कि ये डुप्लेट होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के सिचुएशन में डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास में उतने ज्यादा होते नहीं है। बट अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूं तो क्लोरीन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं यहां पर देखिए काउंट करके आपको बता सकती हूँ, हम काउंट कर सकते, देखो ये बन गए हमारे 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। सिमिलरली इस क्लोरीन के पास में भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इनको अपने पूरे सर्कुलर शेल में होना जरूरी रहता है, मतलब वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, देखो इसके क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब यहां पर हमें एक और चीज सीखने जैसी है, वो क्या है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, राइट। चलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे, यहां पे एग्जांपल के साथ में हम स्टडी करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूं O2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूं मैं यहां पर, राइट। ऑक्सीजन में जैसे मैंने अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको समझाया था कि ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब क्या होता है, एक और ऑक्सीजन एटम आएगा, इसके पास में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अब जब ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरीके से हो गया। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे,
तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पहले तो ये दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों शेयर कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि भाई इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और इसीलिए ये क्या करते हैं एक एक और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अब आप देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन आ गए, इसीलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बना है, और ये जो है बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनको हम एज इट इज रहने देते हैं, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, जैसे यहां पर देख लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया, इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं हम इनको? बॉन्ड पेयर कहते हैं, राइट। ये बॉन्ड पेयर हुई, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, उन्हें कहा जाता है लोन पेयर, उनको हम लोन पेयर कहते हैं, राइट। अब देखिए लोन पेयर में फिर से एक बार समझा देती हूँ कि ये क्या होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, राइट। ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कौन होते हैं? लोन पेयर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा हाइलाइटर से आपको समझा देती हूँ, हाइलाइटर से हम समझेंगे इसको। तो देखो ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट हाइलाइटर, ओके मैं नॉर्मली बता देती हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर थोड़ा डार्क बना रही हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनको लोन पेयर कहा जाएगा, ये जो है इनको भी लोन पेयर कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास में बन गया है डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, और इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो हो जाएगा N2 मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन गैस की बात कर रही हूं मैं। अब N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, इसको मैं सर्कल बना लेती हूँ, सर्कल बनाने से थोड़ा सा हमें आसान रहता है समझने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मतलब क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब ये शेयरिंग करेंगे तो देखो शेयरिंग कैसे होता है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ता है, मतलब एक नाइट्रोजन जो है अपने पास से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, राइट। अगर 3 पेयर हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये जो 2 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारे पास में ये जो है क्या हुई, लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये भी क्या है, लोन पेयर, और ये जो यहाँ जो दिख रही है ये सभी बॉन्ड पेयर्स है। मतलब अभी हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और हम देखते हैं हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब चलिए मैं ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था उस एग्जाम्पल पे एक बार फिर से जाते हैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल है जहां पे आप देख सकते हो कि उसके पास में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेश्चन। और आज की क्लास अगर आपको वर्थ वॉचिंग लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे अहेड।